निपानी से चालक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए रवाना। ऑटो बस ट्रांसपोर्टर फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार 6 को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए निपानी और आसपास के इलाकों से ऑटो टैक्सी चालक दिल्ली के लिए रवाना हुए। देश भर के सभी मोटर चालकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। एग्रीगेटर कंपनियां पूरे देश में दोपहिया वाहनों की सेवाएं बंद करे। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में सरकारी ऐप लागू करने का फैसला करे। इसके बाद सभी प्राइवेट एग्रीगेटर कंपनियों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। कल्याण बोर्ड देश के सभी ड्राइवरों और मालिकों पर लागू होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। वाहन चालकों व भू स्वामियों को पेंशन की सुविधा दी जाए। बच्चों को मुफ्त उच्च शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए। अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। देश में कहीं अभी दुर्घटना होती है और ड्राइवर को बुक किया जाता है। वाहन चालक के अधिकार क्षेत्र में जिला न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने की व्यवस्था सरकार करे। अगर दुर्घटना के कारण 6 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया गया तो चालक का परिवार कैसे चलेगा। सरकार को इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए और परिवार की आजीविका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। सरकार की ओर से पूरे देश में चालक दिवस घोषित कर चालक दिवस मनाया जाना चाहिए। दिल्ली में चालक के स्मारक समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। कर्नाटक ऑटो रिक्शा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गजानन खापे, संजय शास्त्री, अनिल केसरकर सहित अधिकारी इसके लिए रवाना हुए।